हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा की एक अपकमिंग न्यू बाइक जो इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जापान की प्रमुख दो पहिया बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी यामाहा भारत में अपनी नई रेट्रो स्टाइल वाली नेकेड बाइक एफजेड X150cc को लॉन्च करने की तैयारी में है। यामाहा की आने वाली बाइक को भारत में टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। कंपनी का कहना है कि इस ब्रांड के तहत कंपनी सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट की मोटरसाइकिल को ही लॉन्च करेगी। यामाहा इस समय अपने तीन ब्रांड आर, एफजेड और एमटी के तहत मोटरसाइकिल की बिक्री करती है। बता दें कि यामाहा ने भारत में ट्रेसर नेम प्लेट का पेटेंट कराया है। यामाहा इस समय इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेसर नाम से बड़े इंजन और ज़्यादा पावर वाले स्पोर्ट टूरर मोटरसाइकिल की बिक्री करती है। भारत में स्थानीय रूप से पेटेंट कराई गई ट्रेसर नेम प्लेट से ऐसी उम्मीद है कि यामाहा जल्द ही भारत ट्रेसर ब्रांड के तहत अपने स्पोर्ट टूरर मोटरसाइकिल को उतारने की योजना बना रही है। यामाहा इस समय ट्रेसर 700 और ट्रेसर 900 मोटरसाइकिल की कुछ चुनिंदा इंटरनेशनल बाजारों में बिक्री कर रही है। कंपनी ट्रेसर 900 बाइक की थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे एशियाई बाजारों में भी बिक्री करती है। इससे पहले आई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यामाहा एक नई एंट्री लेवल स्पोर्ट टूरर मोटरसाइकिल को लॉन्च करने पर काम कर रही है। आपको बता दें कि स्पोर्ट टूरर और एडवेंचर बाइक भारतीय ग्राहकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इन मोटरसाइकिलों में ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, बेहतर एर्गोनॉमिक्स और आरामदायक सीट्स मिलती है जो लंबी दूरी की यात्राओं में काफ़ी आरामदायक होती है। रिपोर्ट की माने तो यामाहा एक नई ट्रेसर 250 बाइक को बनाने में जुटी हुई है। इस एंट्री लेवल ट्रेसर बाइक की डिज़ाइन बड़ी ट्रेसर 700 की जैसी हो सकती है। इस सेमी फेयर मोटरसाइकिल में एक बड़ी विंडशील्ड, फ्रंट में USD फोक, MT15 फ्यूल टैंक, स्प्लिट सीट जैसे फीचर मिल सकते हैं। कंपनी ने फिलहाल अपनी इन नई आने वाली मोटरसाइकिल के बारे में ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रेसर 250 बाइक में कंपनी की मशहूर बाइक MT15 वाला इंजन मिल सकता है। एक स्पोर्ट टूरर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यामाहा इस इंजन में भी कुछ बदलाव करेगी। इस मोटरसाइकिल में कंपनी उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है जिसे MT25 में उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, यही अपडेट यामाहा की तरफ से अभी फिलहाल निकल कर आ रहा था और आगे भी जैसे भी कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको YouTube से पहले आपको जानकारी मिल जाए, अपडेट मिल जाए कौन सा बाइक आने वाला है, कौन सा बाइक लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए आप मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं YouTube से पहले Instagram पे अपडेट कर देता हूँ। मेरा Instagram का ID है RideWithBikeRajat, आपको आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने Instagram का लिंक दे दिया है, आप वहाँ एक क्लिक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Ride With Bike।